कोटा से रिश्तों को तार तार करने वाली खबर आ रही है। एक विवाहिता का जीवन शादी होने के 3 महीने बाद ही नरक में बदल गया। उसके अपने ससुर ने एक पीर बाबा के साथ मिलकर उसकी अस्मत लूट ली और यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। इसी तरह पीड़िता ने अपने साथ हो रहे यौन शोषण की जानकारी परिजनों को दी, तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी ससुर के पुलिस में होने के कारण पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की और आरोपी खुले घूम रहे हैं। घटनाक्रम के बारे में बताते हुए शर्मसार हो रही माँ बेटी फफक पड़ी। मामला कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बहू ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे और मजाक के नाम पर उसे पकड़कर गोद में बिठा लेते। सास को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उनकी मजाक करने की आदत है। ससुर की हरकतें बढ़ने पर बहू ने जब सास को दोबारा बताया तो सास ने मारपीट की और हिदायत दी कि चुप रहे तो बेहतर है। इसके बाद पीड़िता डिप्रेशन में आ गई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। इस पर आरोपी ससुर ने मेरठ के एक पीर बाबा तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने भूत प्रेत का साया बताकर इलाज के बहाने नशीली दवाइयां दी और अद्रव चेतन होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हालत का फायदा उठाकर ससुर ने भी बलात्कार किया। इलाज के नाम पर पीर बाबा दिन में और ससुर रात में बलात्कार करता रहा। यह सिलसिला लगभग 1.5 महीने तक चलता रहा। इस दौरान एक दिन मौका पाकर पीड़िता बहू ने अपने परिवार वालों को घटनाक्रम के बारे में बताया। तब परिजन आकर उसे लेकर गए और काफी हालत खराब होने के कारण डॉक्टर को दिखाया। 6 महीने तक इलाज चला, तब कहीं जाकर पीड़िता सामान्य हो पाई। पीड़िता और उसके परिजनों का कहना है कि आरोपी ससुर मोहम्मद हुसैन झालावाड़ पुलिस में SI के पद पर तैनात है। वहीं दूसरा आरोपी तांत्रिक बाबा मेरठ का निवासी बताया जा रहा है। इनके खिलाफ बोरखेड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया, पीड़िता का मेडिकल करवाया, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे मामले में 7 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करना होता है। पीड़िता के वकील का कहना है कि SP को परिवाद देने के बाद कहीं जाकर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ और मामला प्रमाणित होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि तांत्रिक पीर बाबा से भी अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ससुर के पुलिस विभाग में होने के चलते जांच कार्य प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। शादी 24 सितंबर 2016 में हुई थी। शादी के सर कुछ दिनों बाद, लगभग 8 से 10 दिन बाद, सर मेरे ससुर जब भी मैं खाना देने जाती थी या चाय देने या कुछ भी, तो वो छेड़छाड़ कर देते, मेरा हाथ पकड़ के गोद में बिठा देना ऐसा। मैं इसकी शिकायत मेरी सास से और मेरे पति से बोली तो वो दोनों बोलते हैं कि इनकी तो मजाक करने की आदत है। जब एक दो बार और मेरे साथ में ये हुआ तो मैंने अपनी सास से बोला कि ये पापा जी मेरे साथ में ऐसा करते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, बोला तेरा मुंह बंद रख और दोबारा ये बात तेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। जब भी मैंने इस बात को बोलना चाहा उनसे, उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की। मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई इस बात से, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। सर मेरी जब तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने बोला कि एक जो तांत्रिक बाबा के भक्त हैं तो उनको बुलाया वहाँ पे, इसके ऊपर तो आत्माओं का सर है। उन्होंने बोला इसका तो 6 महीने तक इलाज चलेगा, इसको कमरे में बंद करके इलाज करूँगा मैं इसका, इस पर तो आत्माओं का सहाय है। इस बात का फ़ायदा वो तांत्रिक ने और मेरे ससुर ने उठाया। बहुत मेरी बीमारी की हालत का फ़ायदा उठाकर वो तांत्रिक दिन में मेरे साथ रेप करता था और रात में मेरा ससुर मेरी हालत का फ़ायदा उठाकर रात में मेरे साथ रेप बलात्कार किया। सर मुझे नशीली दवाइयाँ दी जाती थी दिन में, वो तांत्रिक बाबा था वो दिया करता था, इलाज के बहाने मुझे नशीली दवाइयाँ दी जाती थी। उसके ससुर मोहम्मद हुसैन जो झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत हैं, पुलिस अधिकारी हैं, के विरुद्ध धारा 376 में एक परिवाद SP को दिया था। SP ने इसमें FIR दर्ज करने के आदेश दिए। FIR दर्ज हो के SHO बोरखेड़ा को गई। 164 होने बयान होने के बाद ये मामला नरसिंह मीणा जो CO साहब है उनके पास चला गया जाँच के लिए।
ये 12-12-17 के बाद आज तक ये मामला प्रमाणित होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और ये मामला आज भी पेंडिंग है। फरियादियाँ लगातार पूछ ली है इस बारे में, लेकिन कोई भी संतोषप्रद जवाब कहीं से भी नहीं दिया जा रहा है। जो इसमें बाबा इन्वॉल्व था, तांत्रिक बाबा, उससे भी आज तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं। इसके ससुर ने और बाबा ने मिलके कि भाई इसके तांत्रिक मतलब इसके कोई ऊपर का साया है, ये कहते हुए इसको पहले कुछ नशा देते और फिर इसके साथ बाबा ने और ससुर ने दोनों ने बलात्कार का आरोप लगाया दोनों के ऊपर। दोनों ने बलात्कार 164 का बयान हो गया, FIR है। बाबा से भी पूछताछ होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी इनमें मुलजिमान, अगर मामला प्रमाणित है। श्री बालाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है नए वर्ष के साथ खुशियों का अपना सुंदर, सस्ता और सुख की सारी सुविधाओं से भरपूर आपका अपना घर, जो वन रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK रूम के साथ बिल्डिंग तथा चालों में दुकानें, गालों के साथ और भी बहुत कुछ, विशेष सुविधाओं से भरपूर, सुलभ हफ्तों पर भी रूम, फ्लैट, गाला उपलब्ध। हमारा काम ही हमारी पहचान है। आज ही बुक कराएं दीवा डोंबिवली, आज ही दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्री श्री बालाजी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स, आपका अपना खुशियों का घर।